हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपको स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हमारा टॉपिक है आज का। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप स्टडी करें, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आए। यहाँ पे देखो, आपको इग्नू एमकॉम की फर्स्ट ईयर जो नया वाला कोर्स है उसकी, इग्नू एमकॉम पुरानी वाली और साथ ही साथ जो इग्नू बीकॉम न्यू है उसकी और बीकॉम ओल्ड, इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इग्नू बीकॉम न्यू में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की, जिसके अंदर ढेरों वीडियोस हैं जिनको देख करके पढ़ करके सुन करके आप एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला है डिफरेंस बिटवीन द राइट शेयर एंड बोनस शेयर। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि दे आर इश्यूड व्हेन अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल प्रपोजल्स टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल बाय फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। तो राइट इशू तब की जाती है जब कंपनी के पास यू नो शेयर कैपिटल्स होते हैं और वो शेयर कैपिटल को इस तरीके से इस्तेमाल करता है, यू नो प्रपोजेस टू इंक्रीज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसको इंक्रीज करने के लिए, है ना, फर्दर इशू किया जाता है शेयर्स को, तो उसे हम कहेंगे राइट शेयर्स, है ना। सो दे आर इशूड व्हेन अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल प्रपोजल्स, जहां पे वो शेयर कैपिटल रखता है अपने यू नो प्रपोजल्स प्रपोज करने के लिए, प्रपोजल्स करने के लिए जहां पे वो इंक्रीज करना चाहता है अपने सब्सक्राइब्ड कैपिटल को बाय इशूइंग ऑफ द फर्दर शेयर्स, है ना, बाद में और ज्यादा इशू करके शेयर्स को वो सब्सक्राइब करना चाहता है, सब्सक्राइब कैपिटल की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करना चाहता है, तो उसे हम कहेंगे राइट शेयर। बोनस शेयर में क्या होता है कि बोनस शेयर बहुत ही आसान है याद रखना। बोनस शेयर में क्या होता है कि आपको हर एक शेयर जो आपने होल्ड करके रखा है उसके बदले आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते हैं, है ना। दे आर इशूड व्हेन अ कंपनी डिसाइड्स टू कैपिटलाइज इट्स फ्री रिजर्व, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे देखो आंसर को थोड़ा सा घुमा करके बोला गया है कि बोनस शेयर को इशू तब किया जाता है जब कंपनी कैपिटलाइज करना चाहती है अपने फ्री रिजर्व्स को, सिक्योरिटी प्रीमियम्स को एंड कैपिटल रिडेम्पशन को, है ना। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट जब उसको कैपिटलाइज करने की बात होती है, जब उसको कैपिटलाइज करना होता है तो कंपनी जो है बोनस शेयर को इशू करती है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है राइट शेयर में, इट ओनली कन्फर अ प्रिविलेज ऑन द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू हैव अ क्लेम ऑन द शेयर्स ऑफर्ड आफ्टर द फर्स्ट पब्लिक इशू, ठीक है। तो राइट इशू जो है एक तरीके से यू नो प्रिविलेज दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ताकि वो दोबारा से शेयर्स को लेकर के क्लेम कर सके आफ्टर द आईपीओ। जब आपका आईपीओ फर्स्ट टाइम आता है मार्केट में, राइट, तो आपने एक शेयर सब्सक्राइब कर लिया, आपके पास शेयर्स हो गए, तो आप कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, तो कुछ टाइम बाद आपको एक तरीके से यू नो अधिकार दिया जाता है, राइट दिया जाता है कि आप क्लेम कर सके अपने और शेयर्स को, है ना। आपको ये प्रिविलेज मिलता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी के, वो क्लेम कर सके शेयर्स को आफ्टर द इशू ऑफ फर्स्ट पब्लिक इशू, आफ्टर द फर्स्ट पब्लिक इशू आपको दोबारा से मौका दिया जाता है कि आप राइट शेयर्स को बाय कर सकते हैं। बोनस शेयर क्या होता है, दे आर इशू टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स फ्री ऑफ चार्ज। बोनस शेयर जो होता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है, लेकिन फ्री ऑफ चार्ज, यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा कुछ पैसे नहीं देने पड़ते हैं, सिर्फ शेयर्स की जो वैल्यू है वो उनको मिलती है, शेयर के जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, वैल्यू तो उतनी ही रहती है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है अ लेटर ऑफ ऑफर इज सेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दोज शेयर्स, है ना। तो एक लेटर ऑफ ऑफर जो है दिया आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ये स्पेसिफाई करने के लिए, वहां पे स्पेसिफिक नंबर लिखे हुए रहते हैं शेयर्स को, कि उनको किस शेयर में, जितना भी उन्होंने पेड अप अपना शेयर कैपिटल पे करा हुआ है उसके किस शेयर में, मतलब किस रेशियो में उनको जो है राइट शेयर की इशू होगी, है ना। तो एक लेटर उनको सेंड करा जाता है राइट इशू के केस में, लेकिन बोनस इशू के केस में वैसा कोई लेटर सेंड नहीं करा जाता। देखो लिखा हुआ है, नो सच लेटर ऑफ ऑफर नीडेड टू बी सेंड टू द शेयर होल्डर सिंस द कंपनी कैपिटलाइजेस प्रॉफिट्स और रिजर्व इफ इट इज ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स एंड ऑन द बोर्ड एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड हैज बीन ऑथोराइज्ड इन जनरल मीटिंग, है ना। तो
तीसरे नंबर वाले पॉइंट में जो हमारा जो बोनस इशू है उस केस में किसी भी तरह का कोई लेटर नहीं भेजा जा रहा है, ठीक है। वो इसलिए सिर्फ किया जाता है ताकि जो आपका उनके पास जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है या फिर जो रिजर्व है उसको कैपिटलाइज करने के लिए वो कर रहे हैं, और उस चीज के बारे में अगर कंफर्मेशन हो जाता है जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें जो रिकमेंडेशन होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा, अगर उसमें ये चीजें अगर मेंशनड है तो यहाँ पे अलग से फिर लेटर नहीं भेजा जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली जो है बोनस इशू कर दिया जाता है। लेकिन राइट इशू में लेटर भेजा जाता है कि देखो आपका पेड अप कैपिटल इतना है, उसके बदले आपको राइट इशू है, आप चाहो तो आप क्लेम कर सकते हो और आपको आपका जो शेयर है जो राइट इशू है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तीसरा नंबर पॉइंट हो गया। चौथे नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। इफ इक्विटी शेयर होल्डर एक्सेप्ट द ऑफर ही हैज टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट। अब इस केस में मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि पैसे जो है एक तरीके से शेयर जो है उनको क्लेम करना होता है, तो जब आप शेयर को क्लेम करोगे वो लेटर आने के बाद तो आपको कुछ एक स्पेसिफिक पैसा जो है वो आपको देना पड़ेगा, जो स्पेसिफाइड अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ता लेकिन देना पड़ता है ना। इक्विटी शेयर होल्डर अगर उस लेटर को एक्सेप्ट करता है जहां पे उनको क्लेम करने के लिए बोला जा रहा है कि आप चाहो तो क्लेम कर सकते हो, तो उस केस में उनको जो है कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट जो है पे करना पड़ता है। वेयर अगर बोनस शेयर की बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा पैसा पे करने की आवश्यकता नहीं है। मेंबर्स डू नॉट हैव टू पे एनी अमाउंट फॉर सच शेयर्स। बोनस शेयर के लिए किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं दिया जाता है, ठीक है। पांचवा नंबर पॉइंट, इफ द कंपनी शेयर होल्डर डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे डिस्पोज देम ऑफ इन सच अ मैनर एज इट इज एडवांटेजेस टू द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स, है ना। तो जो लेटर की मैं आपकी अभी आपको बात कर रहा हूँ क्लेम वाला, तो उस लेटर को सपोज जो शेयर होल्डर है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर है उसने उस लेटर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उसने बोला कि ठीक है मैं मुझे इस ऑफर को नहीं चाहिए, ऑफर मुझे नहीं चाहिए, तो उस केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा वो एक तरीके से उस लेटर को उस जो राइट इशू का क्लेम है उसको वो इस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर देगा, उसको डिस्पोज कर देगा ताकि वो कंपनी के लिए एडवांटेजेस हो और शेयर होल्डर्स के लिए एडवांटेजेस हो, इस तरीके से वो करेगा, है ना। तो उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। बोनस शेयर में क्या होता है, द कंपनी विच हैज अनाउंस अ डिविजन और डिसीजन ऑफ इट्स बोर्ड मीटिंग बोर्ड रिकमेंडिंग बोनस इशू शैल नॉट सब्सिक्वेंटली विदड्रॉ द सेम। तो अगर बोर्ड मीटिंग में एक तरीके से डिसीजन हो जाता है, कंपनी ये डिसाइड कर लेती है ना कि हम जो है बोनस इशू करने वाले हैं, तो उस केस में कंपनी अपने हाथ को पीछे नहीं खींच सकती, उनको बोनस शेयर वहां पे इशू करने होते हैं। लेकिन इसमें मैंने क्या बताया था अभी कि यहाँ पे अगर शेयर होल्डर एक्सेप्ट, देखो यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मना नहीं कर सकता कि हम नहीं देंगे, है ना। लेकिन अगर मान लो शेयर होल्डर नहीं लेना चाहे तो वहां पे वो जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, उसको उस ऑप्शन को खत्म कर देंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर पाएंगे। कंपनी ने अगर डिसाइड कर लिया तो उनको इशू करना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। छठा नंबर पॉइंट है, द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग ऑफ द मेंबर्स एज वेल एज राइट शेयर्स मे बी पार्टली पेड। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं मेंबर्स होते हैं उनका शेयर्स हो सकता है मे बी पार्टली पेड हो, आधा उन्होंने पेमेंट किया हो या फिर थोड़ा सा ज्यादा पेमेंट किया हो लेकिन फुल पेमेंट नहीं हो, ऐसा भी पॉसिबल है। और साथ ही साथ जो राइट शेयर्स होते हैं वो भी हो सकता है कि वो भी पार्टली पेड हो। राइट शेयर के लिए मैंने आपको कहा ना कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, तो हो सकता है कि आपने पूरा अमाउंट पे नहीं करा, आधा पे करा, पार्टली पे करा, तो वो भी पॉसिबल है। राइट शेयर के मामले में ये पॉसिबल है, लेकिन बोनस शेयर ऐसा नहीं होता। बोनस शेयर आर ऑलवेज फुल्ली पेड, बोनस शेयर जो होते हैं वो हमेशा फुल्ली पेड होते हैं। सातवां नंबर पॉइंट है, राइट शेयर्स मे बी रिनाउंस्ड इन फेवर ऑफ हिज नॉमिनी। राइट शेयर को वापस से जो नॉमिनी होता है उसके लिए एक तरीके से दिया जा सकता है, उनको दिया जा सकता है, लेकिन बोनस शेयर में ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। नो सच फैसिलिटी इज अवेलेबल इन द केस ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर के केस में ये जो फैसिलिटी है नॉमिनी एक तरीके से रिनाउंस करने की, वो पॉसिबिलिटी वहां पे नहीं होती है। सो दीज आर द सेवन डिफरेंसेज बिटवीन अ राइट शेयर एंड अ बोनस शेयर। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।